हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर ग्रुप कंपनी के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोगों ने सोलर ग्रुप कंपनी में निवेश किया है और वह सभी लोग सोलर ग्रुप कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम लगभग 5 सवालों के ऊपर बात करेंगे। जिन लोगों ने सोलर ग्रुप कंपनी में निवेश किया है उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आते होंगे, और नहीं भी अगर उनके मन में ये सवाल आते होंगे तब भी आपको उन सवालों के जवाब पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही होने वाला है कि दूसरी कंपनियों की बजाय सोलर ग्रुप कंपनी के शेयर लेना क्यों बेहतर है। दोस्तों, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि सबसे फास्ट जो प्रोजेक्ट सफल होता जा रहा है उसका नाम सोलर ग्रुप है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने कुछ सालों पहले ही अपनी शुरुआत की थी और दूसरी कंपनियां जो ऑलरेडी पहले से चल रही थी उनसे ये बहुत तेजी से सफल होता चला गया है। मैं बात कर रहा हूँ सोलर ग्रुप कंपनी के बारे में, यानी कि ड्यूनो मोटर्स के बारे में। इस प्रोजेक्ट का नाम सोलर ग्रुप है लेकिन इसको ड्यूनो मोटर्स के नाम से भी जाना जाते हैं। सोलर का मतलब सोलर प्लेट नहीं है, सोलर का मतलब मोटर से है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इलेक्ट्रिक मोटर बनाने पे काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो कि आने वाले समय का फ्यूचर भी है। तो हमारा सवाल ये है कि दूसरी कंपनियां जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं उनके बजाय अगर हम सोलर ग्रुप कंपनी के शेयर लेते हैं तो क्यों बेहतर है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि सोलर ग्रुप कंपनी में 20 स्टेज थे और इन 20 स्टेज में अगर आज की हम बात करें तो आज 17 स्टेज चल रहा है। यानी कि अब कितना स्टेज शेष रह गया है, 3 स्टेज। यानी कि 3 स्टेज खत्म होने के बाद सोलर ग्रुप कंपनी अपने शेयरों को बेचना बंद कर देगी। यानी कि बंद करे उससे बेहतर क्या है कि अभी सोलर ग्रुप में निवेश करके शेयर ले लिए जाएं, या जो लोग बढ़ाना चाहते हैं सोलर ग्रुप कंपनी के शेयर वो अपने शेयरों को बढ़ा लें, यानी कि अच्छी क्वांटिटी ले लें। मैं क्यों सोलर ग्रुप कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों ने, चाहे वो भारत से ही हों बल्कि अलग अलग कंट्री से हों, बहुत से लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया है, इस कंपनी में अपना समय लगाया है और अब वो वक्त आ चुका है कि सोलर ग्रुप कंपनी अपनी चरम सीमा पे, यानी कि अपनी सफलता की ऊंचाइयों को लगातार लगातार छूती जा रही है। दोस्तों, आप कुछ समय के अंदर ही देखेंगे सोलर ग्रुप कंपनी की जो मोटर है वो हर प्रकार की व्हीकल में आना शुरू हो जाएगी। चाहे आपकी बाइक हो, चाहे आपकी कार हो, या किसी भी बड़े व्हीकल में, हर चीज में, हर जगह मोटर का उपयोग किया जाता है। आपके घर से लेकर के आपके ऑफिस तक इसी मोटर का उपयोग किया जाने वाला है। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि मैं क्यों इस मोटर का उपयोग करूंगा, मैं तो पहले से अन्य मोटरों के बारे में जानता हूं, कोई अन्य कंपनी क्यों सोलर ग्रुप कंपनी की मोटर को अपनाएगी जबकि बहुत सारी मोटर से रिलेटेड कंपनियां पहले से चल रही हैं। दोस्तों, सोलर ग्रुप की जो मोटर है वो बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाई गई है। यानी कि जो इस मोटर में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है उसका अधिकार केवल इस प्रोजेक्ट के ओनर मिस्टर दिमित्री ड्यूनोव के पास ही है। उनके अलावा इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कोई भी व्यक्ति अगर करता है बिना उनकी अनुमति के तो सरकार उस पर पूरी तरह से रोक लगा देगी। आपको इस चीज को समझना चाहिए कि यानी कि इनके जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी इनकी मोटर होगी, जो भी इनका कॉन्सेप्ट होगा वो पेटेंटेड है। यानी कि इसकी कोई भी पूरी दुनिया में नकल नहीं कर सकता। अगर कोई भी अन्य कंपनी या कोई भी अन्य व्यक्ति इनके पास आता है और इनसे लाइसेंस परचेस करता है तब ही वो इसका उपयोग कर सकता है। तो जो दूसरी कंपनियां होंगी और वो सोलर ग्रुप की जो मोटर है उसको अपने व्हीकल में या अपने किसी कॉन्सेप्ट में जब उसको ऐड करेंगी तो उनको सोलर ग्रुप कंपनी से लाइसेंस लेना होगा, उनको सोलर ग्रुप कंपनी से अनुमति लेनी होगी, तभी वे हमारे प्रोडक्टों का उपयोग कर सकेंगी और इसका फायदा हमारी कंपनी को होगा। और जब हमारी कंपनी को होगा तो जितने भी निवेशकों ने इस कंपनी में निवेश किया है इसका फायदा, इसका लाभांश, इसका डिविडेंड उन निवेशकों में बांटा जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि सोलर ग्रुप कंपनी अगर 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट कमाती है तो 50,000 रुपये उसके पास ही रहेगा, यानी कि जो उसके ओनर है उनके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन बाकी का जो 50,000 रुपये है वो
सभी निवेशकों में जिसके पास जितना शेयर है उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। यानी कि निवेशकों का अधिकार 50% या जो प्रॉफिट होगा इस कंपनी में उस पर होने वाला है। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर कि अब सोलर ग्रुप कंपनी को सफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि सोलर ग्रुप कंपनी के सभी स्टेज लगातार पूरे होते जा रहे हैं, इस कंपनी को जितना भी पैसा चाहिए था उसे लगातार मिलता जा रहा है। इसमें निवेश करने वाले जितने भी निवेशक हैं वे इस कंपनी को लगातार फंडिंग देते जा रहे हैं, चाहे वो वन टाइम में हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो, लगातार लोग अपनी किस्त भरते जा रहे हैं क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि हाँ जो भी इस कंपनी ने बोला है वो लगातार ये काम कर रही है, लगातार उस दिशा में सफल होती जा रही है। तो उनको भी खुशी हो रही है कि हाँ हम एक सफल कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो सोलर ग्रुप कंपनी सफल इस वजह से होगी क्योंकि आप देखो जो भी पैसा इनके पास पहुंच रहा है उससे ये अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, उससे ये अपनी कंपनी बना रहे हैं। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार हैं। इनके प्रोडक्ट यानी कि जितनी भी मोटर इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं, जितने भी प्रोडक्ट यानी जितने भी कॉन्सेप्ट इन्होंने तैयार किए हुए हैं वो सभी के सभी पेटेंट हो चुके हैं। इनके पेटेंट को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई इनकी कॉपी नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ समय के अंदर ही जो ये अपनी अभी फैक्ट्री पर लगातार काम कर रहे हैं, इस काम को खत्म होने के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा कि अलग अलग कंपनियों की ओर से इस कंपनी के पास प्रस्ताव भेजे जाएंगे, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि आप हमारे लिए इतने मोटर को बना दें, या इस कंपनी से उनको लाइसेंस खरीदना होगा कि हम आपकी मोटर को आपके प्रोडक्ट को अपने कॉन्सेप्ट में लेना चाहते हैं और इसके लिए हम आपको पैसा देना चाहते हैं लाइसेंस के लिए। तो जो भी हो वो कंपनी की बातें होंगी लेकिन इसका सीधा सीधा सा जो प्रॉफिट है वो हमको होने वाला है, वो इस कंपनी में जितने भी लोगों ने निवेश किया है उन सभी निवेशकों को होने वाला है। तो सीधी सी बात यह है कि अब यह कंपनी लगातार सफल होती जा रही है और अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने एक सफल कंपनी में पैसा लगाया है। तो अब हम तीसरे सवाल की ओर बात करते हैं कि इंटरनल एक्सचेंज क्या है और इंटरनल एक्सचेंज कंपनी आखिर क्यों ला रही है। देखो मैं आपको बताता हूं कि टोटल कंपनी में 20 स्टेज हैं, अभी 17 स्टेज चल रहा है। कंपनी को जितना पैसा चाहिए था उसका लगभग 90% पैसा कंपनी को पहुंच चुका है, केवल 10% ही पैसा बाकी है पहुंचने को। तो जैसे ही उनके पास पैसा पहुंचता जाएगा उसी अकॉर्डिंग ये अपने स्टेजेस को क्लोज कर देंगे, और जब कंपनी की ओर से बनाए हुए स्टेज खत्म हो जाएंगे यानी अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या होगा? कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत नहीं होगी तो वो लोगों को शेयर्स नहीं देगी। हालांकि हम लोग पहले से शेयर खरीद चुके हैं लेकिन और भी लोगों को जब इस कंपनी के बारे में पता चलेगा तो वो इसके शेयर खरीदना चाहेंगे। उस समय स्टेज चल नहीं रहे होंगे, स्टेज पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होंगे लेकिन लोग शेयर लेने के लिए चाहेंगे क्योंकि वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब ये लिस्टेड हो, कब इसका IPO में जाए और हम खरीदें। और उनको भी यह चीज़ पता है कि जब भी ये IPO में जाएगी या लिस्टेड होगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हम इंटरनल एक्सचेंज लाएंगे। इंटरनल एक्सचेंज आखिर क्यों लाएंगे? क्योंकि कंपनी का कहना है कि हम पर कुछ निवेशकों ने बहुत शुरुआती समय में विश्वास किया था। शुरुआती समय में इसका मतलब है कि जब हम केवल कागजों में थे, यानी कि जब कंपनी केवल कागजों में थी, अस्तित्व में नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, किसी भी प्रकार के उसके पास लाइसेंस या पेटेंट वगैरह कुछ भी नहीं थे, यानी कि कंपनी बिल्कुल भी हकीकत में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी कुछ निवेशकों ने उसमें निवेश किया था, पैसा लगाया था। तो कंपनी ये बोल रही है कि जिन लोगों ने उस समय बहुत सस्ती कीमत पे हमारे शेयरों को परचेज किया था, जब हम इंटरनल एक्सचेंज लाएंगे तो आप उन लोगों को शेयर्स बेच सकते हो जो 20 स्टेज के अंदर शेयर नहीं ले पाए, और आप अपना प्रॉफिट निकाल करके उनको शेयर सेल आउट कर सकते हो। यानी कि लोगों ने शुरुआती समय में कितने के शेयर खरीदे हैं, अभी कितने का चल रहा है? लगभग 1 रुपए का शेयर। शुरुआती समय में 50 पैसे, 80 पैसे, 20-20 पैसे में लोगों ने इसका शेयर को परचेस किया है। तो वो क्या करेंगे जब कंपनी इंटरनल एक्सचेंज लाएगी? तो कंपनी का कहना है कि हम उस समय एक शेयर की वैल्यू 10 सेंट रख देंगे और आप लोग अपना अपना प्रॉफिट यानी कि जो भी पैसा आपने लगाया है उसका आप निकाल करके उन लोगों को अपना शेयर को सेल आउट कर सकते हो। वो लोग क्यों खरीद रहे होंगे 10 रुपए का शेयर,
12 रुपए का शेयर, 14 रुपए का शेयर, क्योंकि उनको पता है कि ये अभी और ज्यादा जाने वाला है। और कंपनी ने आपको ये क्यों मौका दिया है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी है। अगर आप कुछ परसेंट बेच दोगे तो आपने जो इतना समय इंतजार किया है आपको कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद बाकी जो शेयर है वो आप अपने पास रखे रहो, वो चाहे लिस्टेड होने पर सेल आउट करो या आप आजीवन अपने पास रखे रहो, ये कंपनी का कहना है, ये कंपनी का विजन है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी अच्छी बात है, यानी कि जिन निवेशकों ने शुरुआती समय में निवेश किया था वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनको अब प्रॉफिट हो जाएगा, उनको अब अच्छी कीमत मिल जाएगी, यानी कि उनका पैसा जितना लगाया है वो निकल भी आएगा, अच्छी क्वांटिटी भी है, और वो आगे आने वाले समय में उसको कई गुना महंगे में बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इंटरनल एक्सचेंज का मेन मकसद क्या है। ये हम निवेशकों के लिए बहुत अच्छा कंपनी कर रही है और हमें भी इसका उपयोग करना चाहिए, हमें भी इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए कि अपना जो मेन अमाउंट है यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको निकाल लें। क्वांटिटी तो है ही है क्योंकि हमें सस्ते में मिला है, अगर हमें महंगे में बेचने का मौका मिले, सब ना बेचो, कंपनी हालांकि मौका ही नहीं देगी आपको, 10% 5% का दिया जा सकता है कि आप इतने शेयर को बेच सकते हो, वो आगे आने वाले समय में कंपनी बताएगी। तो हम चलते हैं चौथे सवाल के ऊपर, क्या इंटरनल एक्सचेंज में आपको सोलर ग्रुप कंपनी के शेयरों को बेच देना चाहिए। देखो, इंटरनल एक्सचेंज इस वजह से लाया गया है कि आपने कंपनी पर शुरुआती समय पे विश्वास किया था, तो आपने उस समय पैसा लगाया था जब कंपनी हकीकत में नहीं थी। तो आपको क्या करना है कि आपने कंपनी पे विश्वास किया था इसलिए कंपनी आपको एज अ गिफ्ट इंटरनल एक्सचेंज सिस्टम दे रही है, यानी कि आपने जो 20 पैसे 30 पैसे 50 पैसे 1 रुपए का शेयर खरीदा है आप उसको 10 रुपए 12 रुपए 14 रुपए तक में बेच सकते हो। तो आपको अगर कंपनी इंटरनल एक्सचेंज का ऑफर दे रही है कि आप यहाँ पर अपना लगाया हुआ पैसा निकाल सकते हो तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप 5% शेयरों को बेच दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोग अभी भी यही बोलेंगे, नहीं जी हम तो बाद में बेचेंगे। देखो, मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहला गोल हमारा यही होना चाहिए कि हम अपना लगाया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लें, यानी कि सपोज आपके पास 2 लाख शेयर हैं, कंपनी ने आपको 5% यानी कि 10,000 शेयरों के लिए आपसे कहा है कि आप बेच सकते हो, तो 10,000 शेयर अगर 10 रुपए के हिसाब से बेचते हो तो 1 लाख रुपए निकल आया और लगभग आपने उतना ही लगाया होगा, तो 5% में आपका लगाया हुआ अमाउंट निकल आया। अब अगर 2 लाख में 10,000 शेयर हट जाएंगे तब भी 1,90,000 है, तो आप उसको इन फ्यूचर के लिए रख सकते हो, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। अगर कंपनी ने आपको इंटरनल एक्सचेंज का जो सिस्टम देने का वादा किया है कि आप यहाँ पर अच्छी कीमत में अपने शेयरों को बेच सकते हो, हालांकि ये प्रोसेस लंबा रहेगा, आईपीओ में जाने का प्रोसेस, लिस्टेड होने का प्रोसेस, लेकिन उससे पहले ही आप अपना लगाया हुआ पैसा निकाल सकते हो, फिर आप बड़बड़ाओगे नहीं, यानी कि मेरा पैसा लगा है अभी तक कंपनी लिस्टेड नहीं हुई, अभी तक कंपनी सफल नहीं हुई, अभी तक कंपनी आईपीओ में नहीं गई, फिर आपका ये बड़बड़ानापन खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो मेन अमाउंट है इंटरनल एक्सचेंज आया है तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लो। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवें सवाल की ओर कि आपका गोल क्या होना चाहिए। जो गोल क्या होना चाहिए कि हम कंपनी से प्रॉफिट ले लें, इसके अलावा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल आए। तो प्रॉफिट 2 प्रकार के होते हैं, पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आपको डिविडेंड वगैरह इसका मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब कंपनी की सेलिंग होगी, जब कंपनी की लगातार मांग होगी तो आपको डिविडेंड कंपनी अपने प्रॉफिट से आपको 50% प्रॉफिट सभी निवेशकों को निकाल करके देगी। इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल क्या हुआ कि जब भी वो शेयर मिनिमम $1 होता है, $2 होता है, $3 होता है, तब आप अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट यानी कि जो अभी तक आपने सोचा है कि हमारे पास इतना शेयर है इतना डॉलर हो जाएगा तो आप तब अपना निकाल सकते हो, या वो आपकी इच्छा होगी आने वाले समय में आप क्या डिसीजन लेते हो। और दूसरा कि प्रिंसिपल अमाउंट, तो सबसे पहला हमारा यही भी होना चाहिए कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेव रहे, सुरक्षित रहे और सबसे पहले उसको हम निकाल लें, उसके बाद की क्वांटिटी आप रखे रहो। आई होप आपको ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं ये समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।